फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मेरे चैनल पे चल रही है सीरीज हेयर केयर की, और ये सीरीज का आखिरी एपिसोड है। आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी हेयर ऑयल, आपको कौन कौन से हेयर ऑयल यूज़ करने हैं जिससे आपके हेयर फॉल ना हो, आपके हेयर ग्रोथ हो, आपके हेयर शाइन रहे और आपके हेयर जो है स्ट्रॉन्ग रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स करके, आपको अब कौन सी सीरीज देखनी है, स्किन केयर पे, मेकअप पे, मेकअप प्रोडक्ट पे या अदर चीज़ पे, जो इस पर भी आपको सीरीज देखनी है, जानना है किसी चीज़ के बारे में, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो प्रैक्टिकली मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपने यूज़ नहीं किया है तो क्यों बता रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ और अप्लाई कर चुकी हूँ। इस पर मैंने फुल लेंथी वीडियो बनाया है, फुल अप्लाई करते हुए दिखाया है। आप अगर मेरे चैनल को अच्छी तरह से सर्च करोगे, नीचे जाकर देखोगे, वीडियो के डाउन साइड देखोगे, तो जाकर आपको पता चल जाएगी। तो मैं बहुत सारे जो है लिंक तो नहीं दे पाऊँगी, मगर हाँ कुछ चीज़ों के मैं लिंक दे दूँगी इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। चलिए, ये तो बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल हेयर वालों की। नॉर्मल हेयर वाले कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, तो आप आंवले का भी तेल यूज़ कर सकते हो, आंवला ऑयल भी यूज़ कर सकते हो और चमेली ऑयल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके हेयर नॉर्मल है। पर हाँ, ऑर्गेनिक होने चाहिए ये सब ऑयल। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हो तो वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। आप अगर आंवले का भी ऑयल यूज़ कर रहे हो तो भी वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर सरसों का तेल यूज़ कर रहे हो तो असली सरसों का, मतलब कि उसमें केमिकल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो घर में पैकेट वाले तेल आते हैं या कंटेनर वाले तेल आते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल मिला ही रहता है, कुछ ना कुछ हद तक मिक्सिंग होती रहती है, तो आप वो ऑयल नहीं यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड हेयर टेक्सचर की, यानी ड्राई हेयर। भाई, मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, आपको पहले भी मैंने बताया था, तो मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं अक्सर करके वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, साथ में उसमें कैस्टर ऑयल मिलाती हूँ, क्योंकि वर्जिन कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है कि आपके हेयर की ग्रोथ करता है, प्लस आपके हेयर को नरिश करता है, प्लस वो केमिकल फ्री रहता है, इसलिए मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। मैंने पतंजलि का यूज़ किया है और मैंने व्यायाम का वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ किया है और कर रही हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगा है अभी तक जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल पतंजलि का लगा है, तो मैं वो ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो सेकंड आप यूज़ कर सकते हो, जिनके ड्राई हेयर हैं वो बादाम का तेल यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि इतनी गर्मी में बादाम का तेल कौन यूज़ करेगा, मैं आपको तरीका बता देती हूँ, आप यूज़ करके एक बार देखिएगा। आपको करना क्या है, आप कोकोनट ऑयल लो अपने हेयर लेंथ के हिसाब से और उसमें केवल एक चम्मच आपको बादाम का तेल मिलाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और अप्लाई करना है, मसाज करनी है और उसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है किसी भी माइल्ड शैम्पू से। आप खुद देखोगे कि आपके हेयर का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है, ड्राइनेस कम हो गई है और आपके हेयर जो है स्मूथ लगेंगे। और ड्राई हेयर वाले जो है ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहो तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लो, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी एक ऐसा ऑयल है जो थोड़ा से थिक होता है, आपके हेयर को बहुत अच्छी तरह से नरिश करता है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। तो आप नारियल के तेल में ऑलिव ऑयल मिक्स करके भी लगा सकते हो, और सर्दियों में तो ऐसे ही मसाज कर सकते हो। तिल का तेल ले सकते हो, तिल का तेल बहुत अच्छा होता है, मगर आपको क्या करना है ये बात याद रखिएगा, आपको करना क्या है, नारियल का तेल लेना और तिल का तेल कम लेना। जैसे मान लीजिए आपने 8 चम्मच नारियल का तेल लिया है तो 1 चम्मच आपको तिल का तेल लेना, क्योंकि तिल का तेल भी गर्म होता है। तो मान लीजिए आपने 8 चम्मच नारियल का तेल लिया है और गर्मियों में आप कम से कम आधा ही चम्मच डालिएगा और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है,
तब आपको अप्लाई करना है। जो गंदे बाल होते हैं ना, उसमें आप हेयर ऑयल कोई सा भी अप्लाई करो, कोई भी हेयर वाले अप्लाई करें, चाहे वो नॉर्मल हेयर हो, चाहे वो ड्राई हेयर हो, चाहे वो ऑयली हेयर हो, वो कोई भी तेल अप्लाई करेंगे, ऑयल अप्लाई करेंगे तो उनके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो आप हेयर वॉश कीजिए, आज जैसे आपने हेयर वॉश किया तो 2 दिन बाद आप वो ऑयल अप्लाई कर लीजिए, तब तक आपके हेयर इतनी जल्दी गंदे नहीं होते। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड हेयर टेक्सचर की, यानी ऑयली है। अब ऑयली हेयर वाले ऑलरेडी ऑयली है, अब वो कौन सा ऑयल यूज़ करें, तो मैं आपको बहुत माइल्ड ऑयल बताऊंगी कि जिससे आपका जो है हेयर जो है ऑयली ना रहे और आपके बालों को नरिशमेंट भी मिल जाए। तो आपको करना क्या है, जो पैराशूट वाला एलोवेरा वाला ऑयल आया है, पैराशूट नारियल वाला जो मिलके आया है, वो हेयर ऑयल आप अप्लाई कर सकते हो। वो बहुत ही लाइट है, लाइट वेटेड है, और मैंने यूज़ किया है और मुझे पता है कि वो बहुत लाइट वेटेड है, उसमें नो चिप 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 है बिल्कुल। तो आप वो भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो ऑयली हेयर वाले अपने हेयर, तो ऑयली हेयर वाले एलोवेरा मिक्स वाला जो ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत लाइट होता है। एक तो आप पैराशूट वाला एलोवेरा वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वो ऑयल नहीं लेना है तो आप एलोवेरा लीजिए और कोकोनट ऑयल लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए। जैसे कि आपने 4 चम्मच नारियल का तेल लिया और 2 चम्मच एलोवेरा जेल लिया, तब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं अप्लाई करना है तो आपको करना क्या है, आपको एलोवेरा जेल अपने हेयर में अप्लाई कर लेना है, जैसे हम लोग ऑयल अप्लाई करते हैं वैसे कर लेना है। उसके बाद आपको 1-2 घंटे छोड़ देना है, उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली हेयर वालों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑयल आना, बालों में ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से वो उनके बाल जो होते हैं चिप 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 जैसे हो जाते हैं, एकदम चिपचिपे जैसे हो जाते हैं। तो वो जो है, अगर एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, जिस ऑयल में एलोवेरा है वो ऑयल यूज़ करते हैं, तो उनके हेयर अच्छे होंगे, उनकी ग्रोथ होगी, हेयर शाइन रहेगा और ऑयल जो है कंट्रोल में रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी मैंने आप सबको बताया है, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस था हेयर के अकॉर्डिंग, हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग, हेयर ऑयल के अकॉर्डिंग, शैम्पू के अकॉर्डिंग, तो मैंने वो सब शुरू किया है। फाइनली मेरी आज जो है हेयर केयर की सीरीज एपिसोड सब कंप्लीट हो गया है, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज क्या होगी अभी मुझे नहीं पता, मगर जो भी होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इनकी आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सही बात है, लॉजिक की बात है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट।